तो आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जो हमारी एग्जिट एग्जाम की सीरीज चल रही है, उसमें आगे के क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं, जो दोस्तों ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेट रखते हैं। तो बिना देरी के जल्दी से इन MCQs को देख लेते हैं, जो दोस्तों आपके एग्जिट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। दोस्तों, वो कौन है जो फॉल्स स्टेटमेंट है, यानी जो कथन गलत है। द स्कोप ऑफ कॉमर्स इज नैरोअर देन बिजनेस। कॉमर्स इंक्लूड्स ट्रेड एंड ऑक्जिलरीज टू ट्रेड। तो फॉरेन ट्रेड इज परचेज एंड सेल बाय द ट्रेडर्स ऑफ द सेम कंट्री। ट्रेडर्स सर्व एज अ लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। दोस्तों, वो कौन सा कथन गलत है, वो आपसे क्वेश्चंस में पूछा गया है। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा, फॉरेन ट्रेड इज परचेज एंड सेल बाय द ट्रेडर्स ऑफ द सेम कंट्री। दोस्तों, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एक्टिविटी व्हिच डज नॉट सपोर्ट ट्रेड। तो बैंकिंग, बियर हाउसिंग, इंश्योरेंस और माइनिंग। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, माइनिंग इज द करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई द एक्टिविटी व्हिच डज नॉट सपोर्ट ट्रेड, तो वो होता है दोस्तों माइनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53 ब्लैंक दे रखा है, इज द सिस्टम ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ इंटरवेंशन फ्रॉम गवर्नमेंट इन ग्लोबल बिजनेस। तो ट्रेड स्ट्रेटजी, प्रोडक्ट स्ट्रेटजी, प्रमोशन स्ट्रेटजी और डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रेड स्ट्रेटजी इज द सिस्टम ऑफ इंटरफेरेंस और इंटरवेंशन फ्रॉम गवर्नमेंट इन ग्लोबल बिजनेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54, इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी इन टू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। डॉक्टर मार्शल, लॉर्ड रॉबिन्स, एडम स्मिथ, लुइस एच हनी। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडम स्मिथ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी स्क्रीन पर, इसमें पूछा गया है, द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म इज दैट। तो कैपिटलिज्म एक्सप्लोइट्स द वर्कर्स एंड सोशलिज्म एक्सप्लोइट द प्रॉपर्टी ओनर। और ऑप्शन नंबर बी है, कैपिटलिज्म रिलीज ऑन द मार्केट टू मेक इकोनॉमिक डिसीजंस एंड सोशलिज्म यूजेस सेंट्रल प्लानिंग। और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, कैपिटलिज्म ग्रोज थ्रू रेंट सीकिंग एंड सोशलिज्म ग्रोज थ्रू गवर्नमेंट डायरेक्शन। और ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, कैपिटलिज्म रिलीज ऑन कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन टू डिक्टेट चॉइसेस एंड सोशलिज्म रिलीज ऑन प्रोड्यूसर सेटिस्फैक्शन। द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म इज दैट। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कैपिटलिज्म रिलीज ऑन द मार्केट टू मेक इकोनॉमिक डिसीजंस एंड सोशलिज्म यूजी सेंट्रल प्लानिंग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 आपके स्क्रीन पर। दोस्तों, इसमें पूछा गया है, व्हाट आर द फाइव फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। दोस्तों, प्रोडक्शंस के फाइव फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, वो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। दोस्तों, वो होते हैं, लेबर होता है, लैंड होता है, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये प्रोडक्शंस के फाइव फैक्टर्स होती हैं, पांच फैक्टर्स होती हैं, लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57। तो इकोनॉमिक सिस्टम कैन बी डिफाइंड एज। दोस्तों, इकोनॉमिक सिस्टम को किस प्रकार डिफाइन किया जा सकता है। दोस्तों, उसे किया जा सकता है एवरी एसोसिएशंस, ऑप्शन नंबर ए में आप देखो, एवरी एसोसिएशंस इस्टेब्लिशमेंट्स एंड पॉलिसी मैकेनिज्म थ्रू व्हिच द सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री मैनेज एंड यूटिलाइज द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री टू एक्वायर द प्रोडक्ट व्हिच दे डिजायर। दोस्तों, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो इकोनॉमिक सिस्टम है इसका मतलब यही होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 58 आपकी स्क्रीन पर, इसमें क्या पूछा गया है, ब्लैंक दे रखा है, इज अ टाइप ऑफ इकोनॉमी हुयर ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर लार्जली ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाई प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच ऑपरेट फॉर प्रॉफिट मोटिव। तो सोशलिस्टिक इकोनॉमी, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, मिक्सड इकोनॉमी या ग्लोबल इकोनॉमी। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी इज द करेक्ट आंसर।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द फर्स्ट नेशन टू इंस्टीट्यूट द सोशलिस्ट इकोनॉमी वॉज चाइना, यूएसए, इंडिया, रशिया। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रसिया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। तो दोस्तों उसमें आप देखने वाले हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी कंसिडर्ड अ मेजर इकोनॉमिक सिस्टम। तो कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, सोशलिज्म और फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। दोस्तों इसी के तहत हमने ड्रग स्टूडेंट बिजनेस मैनेजमेंट के टॉप 10 एमसीक्यू कंप्लीट कर लिए हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।